गाइज वेलकम टू बैक माई चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एम सीरीज़ की इसमें निकली लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें जनरली ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो आपके जो हैं एक्सपीरियंस और ग्रेड पे के साथ मांगी हुई, यानी आपको जो है इससे पहले आप जैसे 5400 ग्रेड पे काम कर रहे हैं या 4800 ग्रेड पे काम कर रहे हैं और आपके पास में 5 साल का, यानी आपने जो 4800 ग्रेड पे इतना साल काम किया तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसी पोस्टें भी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है और आपकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। तो पोस्ट मैं ज़्यादातर नहीं बताऊंगा, कुछ का एक का बता देता हूँ। जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इसमें जो लेवल 13 की जो सैलरी है, ठीक है, लेवल 13 की जो सैलरी है, और देखो जैसे इसमें मांगता है कि 7600 ग्रेड पे काम करने को मांगता है बंदे का, ठीक है, यानी 5 ईयर रेगुलर सर्विस फ्रॉम ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस इन द ग्रेड पे ऑफ RS 7600, ठीक है, एक पोस्ट है। इसी तरह से बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, आप देख लीजिए जिसके लिए आप अप्लाई है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, इसके लिए भी जो है आपके पास में इसके लिए भी जो है 10 ईयर का जो है रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ द रिलेवेंट फील्ड PV3 विद ग्रेड पे ऑफ 5400, ठीक है, और MSc नर्सिंग होना चाहिए। वैसे अगर आपके पास में MSc नर्सिंग किया हुआ आपने प्राइवेट सब सेक्टर में, आपको जो है कम से कम 10 साल आपको हो गया है, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि आप पुराने हो चुके हैं। उसके बाद फाइनेंशियल चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर्स है, सीनियर स्टोर ऑफिसर है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, चीफ डाइटिशियन है, चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर्स है, डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CSST ऑफिसर है और स्टोर ऑफिसर्स है, ठीक है, सब में ज़्यादातर वही मांगा हुआ है, ठीक है। चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स है, सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ठीक है, और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो बेसिकली मैंने ये वीडियो इसी के लिए बनाया है क्योंकि असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, क्योंकि इसके लिए जो है जनरली जो उन्होंने BSc नर्सिंग किया है और उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है कौन सी है, नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की लेवल 10 की यहाँ पे सैलरी रहेगी, ठीक है, 56100 से 17500 मेड ऑफ, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की है ये। इसमें बेसिकली क्या मांगा हुआ, देखिए आप, ये तो आपने अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स स्टाफ नर्स ग्रेड या नर्सिंग सिस्टर्स विथ थियर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे ऑफ 4800, ठीक है, अगर आपके पास में ये है और BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं है तो BSc नर्सिंग किया होगा आपने या BSc पोस्ट नर्सिंग किया होगा GNM के बाद और आपके पास में 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस है और आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्या रहेगा, जिसके MSc नर्सिंग करा होगा जिस बंदे ने, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, MSc नर्सिंग वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। 25 पोस्टें हैं इसके लिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है, 25 पोस्टें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग किया है, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें एक ये रखा हुआ, 200 बेडेड हॉस्पिटल में काम करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, यानी 200 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पे आपने काम किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा कि अब तक आपका एप्लीकेशन ले ले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका डेट है 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 21 अगस्त है इसका। मैक्सिमम एज लिमिट इसका जो है 56 है, ठीक है, बाकी इसमें जो है फीस वगैरह का नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है, फीस कितना लगेगा उसके बाद मैं थोड़ा बता देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है आपको, वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अप्लाई करने का बता देता हूँ मैं आपको इसका किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये इसका है न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन्स, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ से है, इंपॉर्टेंट डेट, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो अगर आप जो है न्यू, अब ये न्यू हैं तो यहाँ से पहले रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए, आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो नो, है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है, इसके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे
यू आर नॉट एलिजिबल एज ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर द डिपुटेशन पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ले रहा है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू आर नॉट एलिजिबल एज ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर द डिपुटेशन पोस्ट। ठीक है, तो आप अगर प्राइवेट जॉब में है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई, क्योंकि ये एप्लीकेशंस नहीं ले रहा है। ठीक है, मैंने नो किया है, सबमिट करते हैं तो ये कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल एज ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन। अगर मैं यस करता तो देखिए यस करने पर ये ले लेगा। ठीक है, यस करने पर ये ले लेगा, तो यस करने पर इसने ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जो है प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं।